हेलो क्लास एट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज जो डिस्काउंट का चल रही है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 12। बाकी क्वेश्चन मैंने इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लिए हैं क्योंकि इसके आगे जो आपके क्वेश्चन हैं इसी टाइप के हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं बता रहा हूँ, तो पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट 10% दिया है, डिस्काउंट 10% दिया है और CP आपका फाइंड करना है और MRP आपका गिवन है। अब देखिए यहाँ CP का कोई भी काम नहीं, प्रॉफिट का भी हमारा कोई भी काम नहीं है। सबसे पहले हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे और डिस्काउंट किस पे हमें मिलता है, MRP पे। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन 1 पे MRP आपका कितना गिवन है, MRP इज गिवन 77 रुपीज़। अब डिस्काउंट हमारा कितना, रेट ऑफ डिस्काउंट 10% है, दैट इज़ वी फाइंड द डिस्काउंट इन अमाउंट मीन 77 × 10/100। 0 0 आपका कैंसिल हो गया तो आपका आ जाएगा 77/10 मीन्स 7.7 रुपीज़। इसके आगे हम 0 बढ़ा लेंगे, 7 रुपीज़ 70 पैसे। ओके, डिस्काउंट के बाद आप फाइंड करेंगे SP इज इक्वल टू MRP माइनस डिस्काउंट। तो आपका MRP गिवन है कितना, 77 रुपीज़ माइनस डिस्काउंट आपका है 7.7। ओके, अब इसको हम लेस कर देंगे तो डेसिमल में आपका है, तो इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे 77.0 and 7.7। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 से 7, 3 point, यहाँ कितना बचेगा आपका 6, 16 से 7 लेस होगा 9 एंड यहाँ पे आपका बच जाएगा 6। मीन आपका SP आ गया 69.3 रुपीज़। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे आपका SP गिवन हो गया, हमें CP फाइंड करना है, बट यहाँ गिवन है आपका प्रॉफिट कितना है 10%। तो आप यहाँ पे CP का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, CP इक्वल टू आपका होगा 100/100 प्लस प्रॉफिट 10 × SP 69.3। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 100/110 × 69.3। ओके, तो यहाँ से अगर हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो एक जीरो मिल जाएगा, 0 0 and 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। ओके, अब देखते हैं ये रिड्यूस होगा कि नहीं, 69 3/11, तो आपका ये हो जाएगा 60 11 6 जा 66 3 11 3 जा, मीन आपको CP आ गया यहाँ पे कितना, 63 रुपीज़। ओके, देन सीधा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है, इसमें क्वेश्चन इस टाइप का मैंने आपको क्लास में बताया, तो क्वेश्चन में ये था कि एक मैन क्या है, MRP का जो प्राइस था वो CP से क्या करता है, 20% एबव कर देता है। अगर आपका CP यहाँ पे 100 होगा तो MRP आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना भी CP होगा उसका कितना, 20% एबव है, मतलब है CP का 20% जो भी आएगा उसको हम 100 में ऐड करेंगे तो हमारा MRP फाइंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं लेट कर लिया, CP हमारा कितना रहा होगा 100 रुपीज़। अब MRP आपका कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 100 तो रहेगा ही, एबव मतलब यहाँ पे आप समझेंगे मोर का मतलब हो गया प्लस, तो 100 का कितना 20% 20/100, तो आपका आ जाएगा 120 रुपीज़। ओके, ये आपने फाइंड कर लिया आपने MRP। ओके, MRP के बाद आपको डिस्काउंट दिया है 10%, तो डिस्काउंट अमाउंट पे फाइंड करेंगे, मीन 120 का 10%, 0 0 कैंसिल कितना आ गया, 12 रुपीज़ आपका MRP आ गया। अब आप फाइंड करेंगे SP इक्वल टू MRP, तो MRP आपका दिया है 120 एंड डिस्काउंट कितना हो गया 12। अब इसको हम लेस कर लेंगे, 10 से 2 जाएगा 8 एंड यहाँ पे आपका बच्चा 1 से 1 0 and 1 108 रुपीज़ आपका क्या आ गया यहाँ पे SP। अब देखिए 108 रुपीज़ आपका SP है और CP आपने लेट किया था 100, तो इसका मीन हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्वेश्चन में पहले से गिवन था कि आपको गेन परसेंटेज फाइंड करना है, तो यहाँ से हमें गेन कितना हुआ, मीन SP 108 - 100, तो आपका आ जाएगा 8 रुपीज़। अब इसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे, गेन परसेंटेज क्या हो जाएगा, गेन तो गेन है 8 रुपीज़ अपॉन CP, CP आपका 100 है इंटू यहाँ पे सॉरी 100 हाँ ठीक है 100 क्यों, इसलिए क्योंकि CP हमारा 100 × 100, तो ये आपका कैंसिल होगा, गेन आपका आ गया 8%। ओके, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश आप करेंगे। ओके, देन सीधा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका MRP 165 रुपीज़ है, डिस्काउंट 12% है, डिस्काउंट आपको यहाँ पे अमाउंट फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड द SP। ओके, तो MRP है तो सीधे हम डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे, डिस्काउंट इक्वल टू आपका हो जाएगा, तो डिस्काउंट आपका हो जाएगा MRP पे कितना फाइंड करेंगे 12%, मीन 165 × 12 अपॉन
100। ओके, अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे, 5 2 10 एंड 5 3 15, 5 3 15। ओके, देन अगेन 2 1 एंड 2 6 12, तो आपका ये आ जाएगा डिस्काउंट 6 3 18 एंड 19, 119 8 by 10 रुपीज़, ये आपका आ गया डिस्काउंट में। ठीक है, चलिए अब इसको डेसिमल भी आप राइट कर सकते हैं, तो 19.8 रुपीज़ आपका डेसिमल में आ गया। डिस्काउंट आपका फाइंड होगा, तो डिस्काउंट के बाद आप एसपी फाइंड करेंगे, एसपी इक्वल टू एमआरपी माइनस डिस्काउंट, तो एमआरपी आपका गिवन है 165, डिस्काउंट आपका है 198 by 10। इसके नीचे लेट वन करेंगे, एलसीएम आप ले लेंगे कितना हो जाएगा, ये सीधे आप यहाँ पे डेसिमल में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर डेसिमल पुट करेंगे तो डेसिमल में आपका ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो इसको हम डेसिमल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 165 माइनस 19.80 रुपीज़। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो डायरेक्टली मैं लेस करना नहीं बता रहा हूँ, मैं स्पेन के दे रहा हूँ 165.00 एंड 19.80, तो इधर आप लेस करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 एंड एयर 4 14 से 95 एंड एयर 5 से 1 4 एंड 1, मीन आपका आ गया एसपी आपका यहाँ से आ गया 145 रुपीज़ 20 पैसे। ओके, तो आपका यहाँ से डिस्काउंट भी फाइंड हो गया और एसपी भी आपका फाइंड हो गया। ओके, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जीएसटी एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ टू फाइंड जीएसटी, और जीएसटी में आपका वैट भी है और एक शायद और है, तो बिल्कुल सिंपल है, डिस्काउंट की तरह ही है। जैसे डिस्काउंट में हम लोग एमआरपी से डिस्काउंट लेस करते थे, ऐसे उसमें हम जो भी जीएसटी हमारा जो भी टैक्स निकलेगा उसे हम ऐड करते हैं, करने का प्रोसेस आपका सेम रहेगा। ओके,